गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। वो बच्चे जो प्लस टू क्लास में हैं और जिन्होंने विषय इतिहास रखा है, उनके मन में अभी जो प्रश्न चल रहा है वो है कि इतिहास के पेपर की तैयारी कैसे करें। ये उन बच्चों का भी प्रश्न रहता है जो केवल पास होना चाहते हैं, और यही प्रश्न उन बच्चों का भी होता है जो अपना स्कोर जो है वो अच्छा 80 से ऊपर 90 से ऊपर ले जाना चाहता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है इसी पेपर के रिगार्डिंग मैं आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। इसको कंप्लीट पूरी तरह से जो है एक एक बात को ध्यान से सुने। चलिए प्रारंभ करते हैं वो प्रश्न जिनके जवाब आपको चाहिए इस समय। पहला, कब होंगे? दूसरा, कौन सा अध्याय पाठ्यक्रम में है? सिलेबस क्या है? पिछली बार की तरह से कितना डिफरेंट है वो जानेंगे। प्रश्न पत्र कितने अंकों का है और अंकों का विभाजन क्या है जो इंटेलेक्चुअल बच्चा है वो जानता है, क्योंकि उसको मालूम है इन प्रश्नों के जवाब मिलने पर वो जो तैयारी करेंगे वो तरीके के साथ करेंगे, एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे। इसलिए उनके ये प्रश्न रहते हैं, कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न, कौन इंपॉर्टेंट अध्याय है और कौन कम इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी मैं बताने वाला हूं। और पांचवा, मानचित्र कौन कौन से महत्वपूर्ण है, भाई मैंने बता दिया है आपको, जितने भी आपके महत्वपूर्ण है, पांच नंबर के जितने भी आपके मानचित्र हैं वो मैं कर चुका हूं, वीडियोस की डाल चुका हूं और उसका लिंक भी इसी वीडियो में आपको डालने वाला हूं। छठा, इतिहास विषय में अच्छे नंबर लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं उन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे, वो भी बताने वाला हूं। और सातवां है, क्या आप सभी अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित वीडियो बनाने वाले हैं, ये प्रश्न भी अंत में मैं आपको जवाब देने वाला हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर, वो है पेपर कब होंगे। बोर्ड की तरफ से अभी कोई डेट शीट नहीं आई है, लेकिन आपको मालूम है मार्च आपका टारगेट है, अभी आपका कौन सा महीना लगा है उस हिसाब से डेट शीट मार्च में आने वाली है। कितने दिन आपके बचे हैं, उन बचे हुए दिनों का आप जो है वो हिसाब लगाइए और अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग सेशन आपका रहता है 8:45 से लेकर 12 नून तक, 15 मिनट का टाइम पहले दिया होता है 9 बजे से पहले, जब आपको प्रश्न पत्र देखना होता है। और उस प्रश्न पत्र को देखना ही नहीं है, वो दिया गया है कि उस समय आप जो है उन प्रश्नों को पढ़ें और उन प्रश्नों को टिक कर लें जो आपको सबसे पहले सबसे अच्छी तरह से आते हों, क्योंकि आपने उत्तर में जब लिखना है तो उन्हीं प्रश्नों को प्रारंभ से जो है लिखना है। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता उसका प्रारंभ से आपने प्रश्न नंबर पहला अगर आपको नहीं आता है तो आपने पहले से नहीं, जो आपको आता है आपने उससे तैयारी करनी, तो इसलिए 15 नंबर आपको दिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन से अध्याय पाठ्यक्रम में है। पिछली बार कोविड का दौर था तो बहुत सारे दो अध्याय आप यहां से काट दिए गए थे, लेकिन अब ये आपको डाल दिए गए हैं। अब आपके कुल जो अध्याय है इस सेकंड टर्म में वो है 7, 9 से लेकर 15, ये सभी अध्याय आने वाले हैं जो आपको आपके टीचर ने करवा भी दिए होंगे अब तक, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए अगला आता है प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न पत्र कितने अंकों का और कौन से अंक जो है इनका विभाजन इनका रहता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में सबसे पहले से लेकर 10 ए पार्ट में दो पार्ट आते हैं, ए पार्ट में दो पार्ट हैं, पहले 10 जो क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, आपको चॉइस देखनी और उसका आंसर जो है एक नंबर में आपने उसका जवाब रहता है और 10 नंबर आपको मिलने वाले, बहुत इजी रहता है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिए। 11 से 15 जो रहता है दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में ए के पार्ट में ही, वो रहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 आएंगे किसी भी लेसन से और वो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने, 15 नंबर आपके, बहुत इजी। फिर बी पार्ट में आता है, देखिए यहाँ बी पार्ट में जो है जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न रहेगा सोर्स बेस्ड, आपका कॉम्प्रेहेंसिव रहेगा, एक पैराग्राफ आएगा उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके जवाब आपने 3 प्रश्नों में देने हैं, पहला और दूसरे दो दो नंबर का होगा और एक जो है आपका एक नंबर का होगा, तो इसको एक शब्दों में आप दे सकते हैं, एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन दो दो प्रश्नों के दो दो नंबर के जो प्रश्न रहेंगे, दो प्रश्न उनके कम से कम दो लाइनें आपको लिखना ही पड़ेगी, लाइंस में, शब्दों में मत लिखना,
क्योंकि फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। और बहुत इजी होता है, इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप इस प्रश्नों के जवाब देंगे तो जो सोर्स बेस में जो लिखा गया है मटेरियल, वो तो आपका ज्ञान वर्धन के लिए दिया गया है, उससे आपको पता लगेगा क्या पूछा गया है, लेकिन उसके जवाब जब देने हैं तो प्रश्नों को पढ़ लीजिए और उसका उत्तर उसी तरह से आपने अपने शब्दों में देना, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना, तभी आपके पूरे नंबर जो है 5 नंबर कहीं नहीं जाते, 20 नंबर हो गए इजी। सी पार्ट में है 17 क्वेश्चन लेकर 20 क्वेश्चन तक, 4 ये क्वेश्चन होंगे लेकिन ये 3-3 नंबर के होंगे, लेकिन आपको 4 नहीं करने हैं, केवल करने हैं 3 क्वेश्चन करने हैं और 3-3 9 मार्क्स ये रहे। ये भी अलग अलग अध्याय से पूछे जाएंगे। डी पार्ट में 21 से लेकर 25 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 4 नंबर के होंगे लेकिन करने कितने हैं, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको हेडिंग भी बताना पड़ेंगे क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, और ये 4 आपको करने हैं 5 में से 4, यहां भी आपकी चॉइस है, तो आपके 16 नंबर क्लियर हो गया। और ई जो है रहता है 26वां और 27वां प्रश्न रहता है, ये होता है मैप बेस्ड, मतलब मानचित्र आपको करना होता है कोई एक, ठीक है कोई एक, और 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, क्लियर हो गया। तो 50 नंबर आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट, कौन से अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। आपके साइट में जो है, जो आपका धर्मशाला की साइट है, उसमें ये डाल दिए गए हैं कि कहां से किन अध्याय से कितने कितने नंबर का पड़ेगा। पहला जो 9वां अध्याय है मुगल दरबार से संबंधित है, जो बाबर से लेकर जो है जाकर औरंगजेब तक जो खत्म होता है, वहां से 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। आगे है उपनिवेश और देहात, यहां 3 नंबर तक के, और विद्रोही और राज, 1857 का विद्रोह जो था उससे संबंधित, तो ये 6ठी से पढ़ते आए हैं हम, यहां से 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिवेशिक शहर, यहां से 5 नंबर का, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय, महात्मा गांधी का पूरा ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 10 नंबर के पूछे जाएंगे। विभाजन को समझना, यहां से 5 नंबर का, और संविधान का निर्माण, यहां से 4 नंबर का। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके बोर्ड की साइट में पड़ चुकी है, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी वहां पर पड़ा है, बोर्ड की साइट में है, अगर वहां देखेंगे आप तो 9वें लेसन से वहां पर 16 नंबर के प्रश्न जो डाले गए हैं। कैसे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी पड़ा है, 4-4 नंबर के 2 प्रश्न डाले हैं, और एक 5 जो है जो मानचित्र वो भी डाला गया है, क्लियर है। तो मानचित्र इससे आना ही आना है, इस लेसन से, तो आप मानचित्र कौन रहेंगे इंपॉर्टेंट, मैं आगे बताने वाला हूं। फिर यहां से देखिए, लिखा है तो 3 नंबर, लेकिन यहां 9 नंबर डाले गए हैं, याद करिए 9, एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 5 नंबर जो है जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्रहेंसिव है, वो 5 नंबर का भी डाला गया, और 3 नंबर का एक प्रश्न भी पूछा गया है, तो लिखा 3 लेकिन 9 नंबर। इसी तरह से और भी, विद्रोही और आज से 15 नंबर का, उपनिवेशिक शहर से 6, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन से 11 नंबर का, विभाजन को समझना 3 नंबर से, और संविधान का निर्माण 1 नंबर से। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात बता रहा हूं, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये ना समझे कि ये जो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ये आगे पीछे रह सकते हैं, ठीक है आगे पीछे रह सकते हैं, लेकिन इनसे एक बात जो है जरूरी हो जाती है कि ये जो लेसन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 9वां, आपका 11वां और जो 13वां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे प्रमुखता दीजिए, ज्यादा इनको समय दीजिए, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है आता है 5वां प्रश्न, वो है मानचित्र कौन कौन से महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिए। आपका 9वां लेसन, 11वां लेसन और 13वां लेसन यहीं से ही मानचित्र जो है आपको आने वाले हैं। पहला महत्वपूर्ण मानचित्र की बात करेंगे तो सबसे पहला 9वें लेसन से जो मानचित्र आता है वो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। दूसरा आता है शेरशाह सूरी का साम्राज्य, तीसरा आता है अकबर का साम्राज्य, और चौथा आता है औरंगजेब का साम्राज्य। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके कर चुका हूं और आपके वीडियो में डाल चुका हूं, इनके मैंने आपको लिंक्स यहां पर भेज रहा हूं, तो जरूर देखिएगा अगर 5 नंबर आपने और ऐड करने हैं। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो 11वें लेसन से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये किसी न किसी सीरीज में जरूर आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देखिएगा। फिर आता है 6ठा प्रश्न जो है वो है इतिहास विषय में अच्छे नंबर लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या न करें, सॉरी ये है पहले क्या करें, गलती से रह गया, और क्या ना करें, 2 तरह से इसके जवाब मैं देने वाला हूं। क्या करें आपके अच्छे नंबर आपके आए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रश्न पत्र जो है आपका आता है उसके पहले ही लिखा होता है कि
तीन नंबर के प्रश्नों को आपने जो है कितने अंकों में देना, शब्दों में उसका जवाब देना है, तो वो है 80 शब्दों में। अगर चार अंकों का गया तो कम से कम 120 शब्द में। इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाए कि आपको मिलने, तो चार नंबर इतना कम भी ना हो कि आपको चार नंबर ना मिले, तो अपने तीन और चार नंबर के क्वेश्चन के लिए शब्दों को आपने जरूर देख लेना है। इसके अलावा एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल एक शब्द में आप उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। लिखाई का विशेष ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लिखाई सुंदर होगी तो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे ही। आपने मटेरियल कम किया है लेकिन लिखाई सुंदर है तो वो फुल मार्क्स भी दे सकते हैं, तो इसलिए लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बात, इतिहास में जो डेट्स होती हैं या जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जगह का नाम, तो उनको अंडरलाइन जरूर कीजिए ताकि एग्जामिनर जब भी देखे उनको देखे और इमीडिएटली जो है पता लगे कि सचमुच ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसने अच्छा मार्क्स, तो इसलिए उनको जरूर लिखें, कहानियां ना लिखें। इंपॉर्टेंट है कि डेट्स और जो व्यक्तित्व के नाम है उनको जरूर जो है वो आने चाहिए, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मानचित्र का काम है उसे HB पेंसिल से ही करें, HB पेंसिल से ही। और बहुत सारे लोग या बच्चे कैसे करते हैं उसको, पेन से करते हैं, स्केच का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। फिर क्या ना करें, पेपर की शुरुआत गलत पेपर से ना करें। कई बच्चे जो है पहले ही प्रश्न को, मान लीजिए आपको पहला प्रश्न नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ दीजिए, आपने दूसरा प्रश्न शुरू कीजिए, लेकिन उत्तर देते समय उस प्रश्न पत्र की जो संख्या है वही डालनी है। तो आप लिखेंगे प्रश्न पत्र दो का उत्तर, या प्रश्न पत्र दो लिखिए, उसका प्रश्न लिख लीजिए और फिर उत्तर लिखिए, दोनों ही ऑप्शन, क्योंकि समय बहुत है, समय काफी है, समय 3 घंटे बहुत है 50 नंबर के लिए, तो इसलिए समय की कमी नहीं है। मेन चीज है कि आपने सुंदर तरीके से अपना पेपर जो है पूरा करना है, तो प्रश्न की पत्र संख्या वही लिखनी है जिसको आप कर रहे हैं। तीसरा, रंग बिरंगे जो स्केच पेन है उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, केवल दो ही, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, या तो एक ब्लू और एक आपने ब्लैक या ब्लू स्केच का इस्तेमाल करना है हेडिंग के लिए। चौथा, अनावश्यक खाली लाइनें या जगह ना छोड़ें। बहुत सारे बच्चे करते हैं, यहाँ भी हाशिया लगा देते हैं, यहाँ भी हाशिया लगाते हैं, बीच में बिल्कुल कम जगह छोड़ देते हैं, वैसा ना करें। जहाँ जरूरत है हाशिए में, यहाँ जरूरत है बिल्कुल आप लगाइए। और इसके अलावा कुछ बच्चे 4-5 शब्दों में ही पूरी लाइन कंप्लीट कर देते हैं, बीच में बहुत गैप छोड़ते हैं, वैसा भी ना करें। और पेपर के अंत में अपना मोबाइल नंबर और किसी तरह की परेशानी बीमारी का जिक्र ना करें, ऐसा होने लगा है, बच्चे पढ़ते नहीं है समय पर और बाद में जो है कहा जाता है कि मैं बीमार था, ऐसा था, और मेरा नंबर ये है, मेरे से कांटेक्ट किए, बिल्कुल भी ना लिखें। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को, अगर किसी ने कहा है ना कि अगर आप बेशक जो है वो गरीबी में पले हों लेकिन गरीबी में ही मर जाओ तो ये तुम्हारा कसूर रहेगा। हर माँ बाप जो अपने बच्चों को अपने से बेहतर देखना चाहते हैं, कोई भी आपको माँ बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो कोई छोटा काम कर रहा हो, मिस्त्री का काम कर रहा हो और वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, वो इसलिए पढ़ा रहा है ताकि वो मिस्त्री ना बने, तो इसलिए बेहतर है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों का जो, जिनके एग्जाम्पल, जिनकी जीवनी को पढ़कर आपको बहुत सारा जो है वो आपको आगे पढ़ने के लिए जो है एक ध्येय मिलता है। उनमें से एक का नाम मैं आप जरूर कहना चाहूँगा, बहुत बार बोला है मैंने, थॉमस एल्वा एडिशन। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एजुकेशन जो है अपने घर में अधिकतर करी, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को 1000 इन्वेंशन दिए, 1000, सोचिए 1000 इन्वेंशन किए इस व्यक्ति ने, थॉमस एल्वा एडिशन। और उनमें से महत्वपूर्ण क्या था, बल्लभ का आविष्कार, एडिशन ने आविष्कार किया था बल्लभ का, सबसे बड़ा आविष्कार। और ये एक और चीज है कि इसको इन्वेंशन करते हुए उसने 9999 गलतियां करी थी और 10,000 में जाकर जो है ये बल्ब तैयार हुआ था। तो किसी ने उनसे पूछा था कि भाई आपने 9999 बार जो गलत कदम रखे वो क्या मायने रखते हैं आपके जिंदगी में, उसने कहा यही तो मायने रखते हैं, क्योंकि आदमी कहाँ सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। तो तुम सोचिए, इन्होंने इतने प्रयत्न किए कभी थके नहीं, तो तुम एक प्रयत्न से ही हार जाओ तो ये तुम्हारी कमी है। तो बेहतर है अपनी कमियों को सुधारिए, आगे बढ़िए, आपका हक है इस दुनिया में अच्छे से रहना, बढ़िया से रहना, अमीरी से रहना, तो तुम क्या चाहते हो वो तुम्हारे पर निर्भर करता है। और अंतिम प्रश्न ये रहा, क्या आप सभी अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित वीडियो बनाने वाले हैं? बिल्कुल मैं बनाने वाला हूँ और जल्दी ही आप तक ये पहुँचने वाले हैं, लेकिन जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए उसकी मैं भगवान से कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग मुझे हमेशा बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसी तरह से सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।